हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब मैच टिप, फैंसी टिप्स, मैच विनर सब कुछ फ्री में मिलेगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हर दिन प्री मैच एनालिसिस और एडवांस में मैच विनर दिया जाता है। T20 वर्ल्ड कप के मैच ओमान और स्कॉटलैंड के बीच होगा 9 जून संडे रात 10:30 बजे सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगुआ में। ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड पिच रिपोर्ट। ये पिच यूजुअली स्पिनर्स और पेस बॉलर को ज़्यादा मदद मिलता है यहाँ पे, और एनी स्कोर ओवर 165-170 विल बी कॉम्पिटेटिव स्कोर। ओमान टीम न्यूज़। ओमान अपने ओपनिंग गेम में नामीबिया के खिलाफ टाई हुआ था, और उस मैच में सुपर ओवर में नामीबिया मैच विन किए थे। उसके बाद जो मैच खेला है उसमें 2 चेंजेस किए थे। ओमान की प्लेयर अकिबिलियास 31 ईयर्स के हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं और कैप्टन है। उन्होंने 49 T20 इंटरनेशनल मैच खेलकर 1100 रन बनाया है, और इस मैच में उनका 50 इनिंग्स होगा। आयन खान ऑलराउंडर है और T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे किया है। नामीबिया के खिलाफ 12 रन देकर 1 विकेट लिए थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन बनाए थे। मेहरान खान 37 ईयर्स के हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, बहुत अच्छे टूर्नामेंट गए उनके, और 5 विकेट भी ले चुका है वो इस टूर्नामेंट में। बिलाल खान ओपनिंग बॉलर है, वेरी रिलायबल बॉलर, ऑलवेज बहुत अच्छे बॉल करते हैं, और वेरिएशन कटर स्लोअर वन और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बिलाल खान डेंजरस बैटर ट्रेविस हेड को आउट किए थे। ओमान टीम फ्रॉम। अगर ये मैच ओमान हार गए तो बैक टू बैक 4 मैच हार जाएगा। ओमान प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 काश्यप प्रजापति, प्रतीक अथापाले विकेटकीपर, अकिबिलियास कैप्टन, जिसान मकसूद, खालिद कैल, आयन खान, शोएब खान, मेहरान खान, शाकिल अहमद और कलीमुल्लाह, एंड फास्ट बॉलर बिलाल खान। स्कॉटलैंड टीम न्यूज़। इंग्लैंड के खिलाफ रेन एडेप्टेड मैच में ओनली 10 ओवर बैटिंग किए थे, बहुत अच्छे बैटिंग किए थे स्कॉटलैंड, और बॉलर्स और फील्डर को कोई मौका ही नहीं मिला था। और सेम प्लेइंग 11 के साथ नामीबिया के खिलाफ खेला है स्कॉटलैंड और जीत दर्ज किया है, और ये मैच में भी सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की प्लेयर माइकल जोन्स टॉप ऑर्डर बैटर है, ओपनर में बैटिंग करते हैं। 1 6 और 3 चौके लगाए थे नामीबिया के खिलाफ, और फास्ट बॉल से ही अटैक करते हैं माइकल जोन्स। रिची बिरिंगटन स्कीपर है, और अच्छे रोल निभाए थे नामीबिया के खिलाफ 156 रन की जो चेस हुआ था उस मैच में, और उन्होंने 35 गेंद पर 47 रन की नॉट आउट पारी खेलकर स्कॉटलैंड को जीत दिलाए थे। ब्रैड होयल इनिंग्स के 3rd बॉल में विकेट लेकर और 18th ओवर में डेविड वाइसी और जेन ग्रीन का आउट किए थे, बहुत ही अच्छे बॉलर है। ब्रैड कुड़ी होयल को ज़्यादा विकेट मिला था, लेकिन माइकल लेसक को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिले थे। लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर ब्रैड कुड़ी ने 60 रन देकर 2 विकेट लिए थे नामीबिया के खिलाफ। स्कॉटलैंड टीम फॉर्म। स्कॉटलैंड इम्प्रेसिव बैटिंग किया है इंग्लैंड के खिलाफ, और नामीबिया के खिलाफ जीता है। स्कॉटलैंड प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 जॉर्ज मुंसी, माइकल जोन्स, ब्रेंडन मैककुलेन, रिची बेरिंगटन कैप्टन, मैथ्यू क्रॉस विकेटकीपर, माइकल लेसक, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वाट, क्रिस सोल, ब्रैड होयल एंड ब्रैड कुड़ी। ओमान लास्ट 5 मैचों में 2 जीते 3 हारे, और स्कॉटलैंड लास्ट 5 मैचों में 2 जीते, 1 एबाडन रहा, 1 हारे और 1 नॉट रिजल्ट रहा। ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड हेड टू हेड मैच की बात किया जाए तो ये मैच 5वां मुकाबला होगा दोनों के बीच, और इससे पहले 4 मैच हुए थे हेड टू हेड 2017 में, एंड 4 मैच स्कॉटलैंड विन किया है। ओमान की तरफ से टॉप बैटर स्पिक रहेंगे अकिबिलियास, आयन खान और जिसान मकसूद। स्कॉटलैंड की तरफ से टॉप बैटर स्पिक रहेंगे जॉर्ज मुंसी, रिची बेरिंगटन एंड माइकल जोन्स। ओमान की तरफ से टॉप बॉलर स्पिक रहेंगे बिलाल खान, मेहरान खान एंड कलीमुल्लाह। ओमान की तरफ से ओपनिंग बॉलर बिलाल खान, फैज भट्ट, कलीमुल्लाह और मोहम्मद नदीम, और डेथ ओवर बॉलर बिलाल खान, फैज भट्ट और मोहम्मद नदीम। स्कॉटलैंड की तरफ से टॉप बॉलर्स रहेंगे मार्क वाट, ब्रैड होयल एंड ब्रैड कुड़ी। स्कॉटलैंड के ओपनिंग बॉलर मार्क वाट, ब्रैड होयल और ब्रैड कुड़ी, एंड डेथ बॉलर ब्रैड होयल, ब्रैड कुड़ी एंड क्रिस सोल।
ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड मैच विनिंग प्रेडिक्शन। ओमान अच्छे खेले थे नामीबिया के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्कॉटलैंड बहुत ही अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है। तो हमारे तरफ से एडवांस मैच विनर रहेंगे स्कॉटलैंड। अगर कुछ चेंज हुआ तो टेलीग्राम में अपडेट किया जाएगा। आप लोग मैच टाइम टेलीग्राम पे एक्टिव रहना।